गाइस, क्या आप जानते हैं 10 रुपए का एक ऐसा भी सिक्का होता है जिसकी वैल्यू आपको 10 से 15 हजार रुपए तक मिल सकती है। अगर नहीं जानते और आपके पास ऐसे 10 रुपए के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 रुपए का वो रेयर सिक्का जिसकी कीमत आपको 20 हजार तक भी मिल सकती है। तो आपके पास में कौन कौन से सिक्के पड़े हुए हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, और उसके बाद में ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज समझाऊंगा जिससे आप अपने पास पड़े हुए सिक्कों से 10 रुपए का वो रेयर सिक्का निकाल सकते हैं जिसकी कीमत 20-30 हजार तक मिल सकती है। तो जैसे कि गाइज, आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि ये 10 रुपए का भारतीय रिजर्व बैंक का सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, और उसके साथ में ये आईटी कनेक्टिविटी का थीम्स का 10 रुपए का सिक्का क्या वैल्यूशन दे सकता है। ऐसे सिक्के जब भी आपके हाथ में आते होंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि कहीं ये रेयर सिक्का तो नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में आपकी दूर कर दूंगा और ये भी कंफर्म कर दूंगा कि वो रेयर सिक्का कौन सा है जिसके बदले में 10-20 हजार की कीमत मिल सकती है। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल जाए। सो गाइज, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आईटी कनेक्टिविटी के 10 रुपए के इस सिक्के के बारे में। इस थीम्स के सिक्के आपको अलग अलग ईयर में अलग अलग मिनटों से जारी किए हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2008 से लेकर 2010 तक जारी किए गए आईटी कनेक्टिविटी के सिक्कों के बारे में। 3 साल में इन सिक्कों को जारी किया गया था। उन सिक्कों के अंदर आपको देखने को मिलती है ये जो लाइन है, ये 15 लाइन देखने को मिलती है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस सिक्के में आपको 10 देखने को मिलती है। वहीं पे 2008 से लेकर 2010 तक जो 10 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे उनके अंदर यहाँ पे आपको 15 लाइन देखने को मिलती है, और उसके बाद में 2011 से लेकर 2019 तक जो सिक्के जारी किए गए 10 रुपए के ऐसे वाले, उनके अंदर आपको ऐसी 10 लाइन देखने को मिलेगी। और ये सिक्के भारत के सभी मिनटों में जारी किए गए हैं जो कि 2011 से लेकर 2019 तक 10 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं। वहीं पे 2008 से लेकर 2010 तक जारी किए गए 10 रुपए के सिक्कों में आपको ये 3 ही मिनटों से देखने को मिलेंगे, कोलकाता, नोएडा और मुंबई की मिंट से। हैदराबाद की मिंट से इन सिक्कों को इश्यू नहीं किया गया। गाइस, इन सिक्कों के अंदर रेयर सिक्का निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन सिक्कों को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। तो गाइस, ये वो 10 रुपए का सिक्का है जो कि 2008 से 2010 तक जारी किए जाते हैं, और इस सिक्के में आपको देखने वाली चीज ये है, पहले तो आपको इस सिक्के का ओवर भाग देख लेना है जिसमें आपको बीच में डिनोमिनेशन 10 देखने को मिलते हैं और ऊपर की साइड में 15 लाइन देखने को मिलती है, और नीचे रुपए, रुपीज हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलती है। अच्छे से एक बार नोट कर लेना और ध्यान देना यहाँ पे। और जो दूसरा भाग है उसमें सिक्के को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, बीच में अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते। सिक्के के ऊपर के भाग में देखते हैं तो भारत, इंडिया, हिंदी, इंग्लिश में अंकित है, और नीचे 2008 जो इस सिक्के का ईयर है। ये सिक्के बायोमेट्रिक कॉइन है, मतलब इनमें 2 अलग अलग मेटल यूज किए जाते हैं। वेट सिक्कों का 7.71 ग्राम होता है, डायमीटर 27 mm होता है, थिकनेस 1.75 mm होता है, शेप राउंड होता है, और ये सिक्के भारत के 3 मिनटों में इश्यू किए गए, मुंबई, कोलकाता और नोएडा की मिंट से। इन सिक्कों को हैदराबाद की मिंट से इश्यू नहीं किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं 2011 से लेकर 2019 तक जारी किए गए 10 रुपए के इन सिक्कों के बारे में। ये सिक्के देखते हैं हम लोग ओवर भाग से, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइड लाइन देखने को नहीं मिलती है, जो कि उस सिक्के में 3 भाग में उस सिक्के को डिवाइड कर देती है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि इसमें नहीं है। इसमें आपको बीच में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते देखने को मिलता है, और उसके नीचे जो इस सिक्के का ईयर है वो देखने को मिलता है 2014, और उसके नीचे मुंबई का मिंट मार्क है। एक साइड भारत है, दूसरी साइड इंडिया है, हिंदी इंग्लिश में अंकित है। सिक्के का रिवर्स भाग देखते हैं तो बीच में रुपये का सिंबल है जो कि उस सिक्के में नहीं था, और उसके नीचे डिनोमिनेशन 10 लिखा हुआ है। इस सिक्के में जो रेंज की जो लाइंस दिखाई गई है वो ओनली 10 ही देखने को मिलती है, जो कि पहले वाले सिक्के में हमें 15 लाइंस देखने को मिलती थी। तो ये आपको यहाँ पे समझने वाली चीज है, उसके बाद में पता चलेगा रेयर सिक्का कौन सा होता है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है। अब हम जानेंगे उस रेयर सिक्के के बारे में, वो रेयर सिक्का कैसे बना और आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। सो गाइज, ये वो रेयर कॉइन है जिसको हम लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सिक्का रेयर कैसे हो सकता है,
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। ये एक म्यूल कॉइन है और इस म्यूल कॉइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाना होगा, जहां पे हमने इन सिक्कों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। वो ये है कि जो इस सिक्के का 2010 का हम लोग ओवर भाग देखते हैं, तो इसमें आपको तीन हॉरिजेंटल लाइंस देखने को मिलती है, जो कि इस सिक्के को तीन भाग में डिवाइड कर देती है। और जो इसका ये सिक्के का दूसरा भाग देखते हैं हम लोग रिवर्स साइड से, तो इसमें आपको रुपी का सिंबल देखने को मिलता है। और ये जो रुपी का सिंबल है, ये आपको ओनली उन्हीं सिक्कों में देखने को मिलता है जो सिक्के 2011 के बाद में 2019 तक जारी किए गए थे। उन सिक्कों के अंदर आपको बीच में रुपी का सिंबल देखने को मिलता है, और ऊपर की जो आईटी कनेक्टिविटी थीम्स की जो लाइंस है, ये भी इसमें आपको 10 ही देखने को मिलती है, जो कि पहले वाले सिक्के में 2008 से लेकर 2010 तक जारी किए गए सिक्कों में आपको 15 लाइन देखने को मिलती है, और उसके अंदर आपको रूपी का सिंबल देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक म्यूल कॉइन इस तरह से बन जाता है, जिसको आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो इस सिक्के का रिवर्स भाग का डाई है, ये 2010 के इस सिक्के में यूज कर लिया जाता है। 2011 या 12 या 13 कोई भी ईयर का सिक्के की डाई यूज कर ली जाती है 2010 के मुंबई मिंट के इस सिक्के में, जिसकी वजह से ये एक म्यूल कॉइन बन जाता है। और अगर हम लोग बात करें इस सिक्के की कीमत की, तो ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की वैल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी डिमांड है सिक्के की और वो आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, और या फिर आप इसको किस तरह से सेल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको एक अच्छी खासी वैल्यूशन दे सकता है, 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की वैल्यूशन दे सकता है एक्स्ट्रा फाइन या फाइन का। सो गाइज, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सिक्का रेयर कैसे हुआ, तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और उसके बाद में अपने सिक्कों को एक बार मैच कर सकते हैं। 2008 से 2010 के सिक्कों में आपको रूपी का सिंबल देखने को नहीं मिलेगा, और ये जो लाइन है ये भी आपको 15 लाइन देखने को मिलेगी, जो कि 2011 से लेकर 2019 तक के सिक्कों में होता है। गाइज, अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं उन भारतीय रिजर्व बैंक के सिक्कों के बारे में, जो कि 10 रुपए के ये सिक्के हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सिक्कों की अगर कीमत की बात की जाए, तो फेस वैल्यू ही ये सिक्के आपको दे सकते हैं। ये सिक्के 2010 में इश्यू किए गए थे नोएडा, हैदराबाद और मुंबई की मिंट से। लेकिन ये सिक्के कॉमन जो सिक्के हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ओनली फेस वैल्यू ही इन सिक्कों की चल रही है। यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का कलेक्ट करने के लिए आपको 25 से 30 रुपए मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो यूएनसी कंडीशन का सिक्का होना चाहिए। अगर इस सिक्के में कोई एरर है, तो शायद वो सिक्का आपको और ज्यादा वैल्यूएशन दे सकता है। तो गाइज, अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन सिक्कों में रेयर सिक्का कौन सा है और कॉमन सिक्का कौन सा है, और आपको कौन सा सिक्का कलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो की जानकारी से अगर आप लोग संतुष्ट हो गए, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।